शिव टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम प्रेस क्लब में, जहां अपने पीछे आपको बता रहे हैं, जागरण सेवा समिति जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आज यहां पर एक साइलेंट प्रोटेस्ट रखा गया। जिस तरह से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक आदेश आता है कि आज रात से 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से आप जानते हैं, जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है और नवरात्रों के आते ही पूरे जम्मू में चहल पहल होती है। इवन के कटरा की बात करते हैं, वहाँ वैष्णो देवी के दरबार में भी वो भी एक अद्भुत नज़ारा दिखता है। और ये वो लोग इस समय हमारे सामने खड़े हैं साइलेंट प्रोटेस्ट में, कि जो लोग जब नवरात्रि आते हैं जागरण कर कर ही अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। आज इस तरह ये यहाँ एकत्रित होने का इनका क्या मकसद है, चलिए जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि आज ये यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी सर, जय माता दी। पहले तो सब तो जय माता दी, मैं जागरण सेवा समिति का प्रेजिडेंट। तो देखो, रात तो जी साढ़े कन्नै गल हुई है कि 10 बजे को लेइयै सवेरे 6 बजे तक जो लाकडाउन रखा गया, तो साढ़े जो जगराते ने, जगराता साढ़ा 10 बजे स्टार्ट होंगे, सवेरे 6 बजे खत्म हो जाता है। तो चलो हाली तो फिलहाल बंद नहीं किए हैं, सानू लगता है जिं साढ़े जगराते जो बंद हो चुके हैं। तो अस चाहते हैं गौरमेंट अगर इे अपील करने कि जोड़ा लाकडाउन तुम राती रखा दो, ये तुम दिने कर लो, राती जो राती करोना तो राती तो नहीं आ रहा, करोना जरा जान के दिन दिन जान के दिन करोना आ रहा जा करोना कोई चला दा। अस चाहते हैं कि साढ़ा जोड़ा काम काज जो पिछले नराते जोड़े वह भी खत्म होइए, उस जो दूसरे नराते आए हैं उस तो भी खत्म हो गए, हूँ जोड़े नराते आ रहे हैं। देखो साढ़े पिछे 10 बंदे 20 बंदे साढ़े पिछे जोड़े काम करने वाले ने, और 20 बंदे का घर जोड़ा जान के चलता है। खड़े यहाँ पे हाँ जी, जगराता करके अपनी रोजी रोटी अपने परिवार की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी तो जिस तरह से आदेश है जेके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, रात 10 बजे से सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू नाफिज होगा। हाँ जी। पर जो जगराता करते हैं वो रात को ही करते हैं, और लोगों की भी आवाजाही रात को ही होती है। मैम वो तो सही है, कर्फ्यू नाफिज हो गया तो कोई किस तरह फिर क्या क्या करें? जो जिसने जगराते हमें बुक करवाए हैं, या डीजे बुक करवाए, या साउंड बुक करवाई है, वो अभी हमें फोन कर रहे हैं कि रात को लॉकडाउन हो रहा है। ठीक है, हमारे जो कलाकार है वो कहाँ जाएंगे? हम गवर्नर के आगे यही अपील करते हैं कि हमारा जो काम काज है 200 बंदा या 100 बंदे का हमें परमिशन मिली जाए। ठीक है, इस करी अस ये प्रदर्शन रखे, अस तां करिए सारे जिन्हें जगराते वाले जिन्हें कलाकार ने सारे अस तां करके इकट्ठे किए हैं कि अस जो सा लाकडाउन इन्हें 10 बजे तो लेइए 6 बजे तक रखे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो वजह कन्नै साढ़ा काम काज जो चलना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल होइए अस जी अस बैठे बेले घर बैठे दे, अस चाहते हैं कि साढ़ा काम काज खुले। या देखो डीजी आले ने बेचारे डीजी आले का काम जरा बुकिंग कराई दी, वह भी लोग वापस ले लिया ने। ठीक है, अस कुत्थे जाचे वाला ये दसो जी। सर अपना, मेरा नाम सतीश कुमार। मैं क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहते हैं मैडम, जैसे पहले मैंने लॉकडाउन लगाया था तो किसी को बताया नहीं, अभी रातों रात लगा दिया। अभी हम ये चाहते हैं गवर्नर साहब से कि आप हमें परमिशन दे दें 100 बंदों की, कि हम ताकि हम जगराता कर सकें रात को। देखो ना, ऐसा तो नहीं है कि कोरोना दिन में नहीं है रात में आता है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो हम ये गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि जो जगराते की परमिशन हमें 100 बंदे की दे दीजिए, हम 100 बंदे से काम चला लेंगे, हम अपना भी जगराता कर लेंगे, अपना काम काज चला सकते हैं। जी बिल्कुल जी। सर मेरा नाम बलवंत राज, वाइस प्रेसिडेंट जे एंड के जागरण सेवा समिति का हूँ। तो अस यो चाहते हैं कि साढ़े जगराते जड़े है वो मतलब अं जगराते करन दे है, साड़ी गौरमेंट जी है जगराते उपर गै एक मेन बंदा होंदा, ओहदे पिछे 20 बंदे होंदे आ, और 20 बंदे जिहड़े आप देख रहे हैं माता के नवरात्रे भी आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आप लोगों का काम में भी काफी बढ़ोतरी होती है। हाँ हाँ हाँ। हम घर घर में जो जगा हाँ रहे हैं, घर घर में हमें पूजा कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा काम है। जो हमें घर घर में पूजा करके लोग ऐसे जे माता रानी के आगे ये दुआ करें कि माता रानी ये कोरोना जो है दूर होना चाहिए, हम लोगों को घर घर में जाते हैं, जो जगाते हैं, ये पूजा का काम है। ये कोई ऐसा कोई है नहीं, कोई हम कोई दूसरा फंक्शन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये घर घर में जाएंगे, माता रानी की जोत जगेगी, हमारे जम्मू जो जम्मू शहरों का मंदिरों का शहर है, तो हम यही चाहते हैं माता रानी के आगे ये हर एक जो मुसीबत है दूर होनी चाहिए। माता रानी ही मतलब कि इस कोरोना से बचा सकती हैं, और माता रानी का नाम लेने से ही अगर हम नहीं ले पाएंगे, अगर कर्फ्यू लग गया, लॉकडाउन हो गया रात को, तो हम तो नहीं ले पाएंगे ना, फिर जागरण नहीं होंगे। आप लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी है, रोजी रोटी में इसी पे है, इसी पे है सारा कुछ। क्या कहेंगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से आप? हम यही कहते हैं कि रात को जो है कर्फ्यू जो लगाया गया, लॉकडाउन किया गया है, ये ज्यादा नहीं तो चलो 100-150 बंदे की अनुमति दी जाए हमें, कि सोशल डिस्टेंस अलग अलग दूर दूर बिठा करके हम जगराता कर सके, जागरण कर सके। धन्यवाद जुड़ने का। दर्शकों, ये थे हमारे साथ जो कि जागरण सेवा समिति के लोग, वो लोग जो कि
माता की यानी कि जिस तरह से आप जानते हैं नवरात्रि आने वाले हैं, ये लोग नवरात्रों में घर घर जाकर जागरण करते हैं, लोग इनको न्योता देते हैं, तो इनका परिवार का गुजर बसर होता है और साथ में जो इनके साथ जुड़े लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है। इनकी साइलेंट आज प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा गया और साफ स्पष्ट शब्दों में यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जी गुहार लगा रहे हैं कि रात का अगर रखना भी है आपने कर्फ्यू, पर कहीं ना कहीं हमें 100 या 150 लोगों की इजाज़त परमिशन दी जाए ताकि इनकी रोजी रोटी में कोई भी फर्क ना पड़े, यानी कि दो वक्त की रोजी रोटी और खास करके नवरात्रों में इन लोगों का काम, ये आर्टिस्ट लोग हैं, ये माता के जागरण करते हैं, माता की भक्ति करते हैं घर घर जाकर और कहीं ना कहीं लोगों की आस्था और विश्वास भी जुड़ा हुआ है, तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी है और इनका यही कहना है कम से कम हम लोगों को 100 या 150 के बीच में अनुमति दी जाए ताकि हम अपना जागरण बिना परेशानी कर सके। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।